नमस्कार, आई एम डॉक्टर प्रोफेसर मृदुल मेहरोत्रा। आज हम अपने देश के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेड़ है उसके बारे में बात करेंगे। नाम है हल्दी। इसको बोटेनिकल नेम में कहते हैं करक्यूरोना लॉन्गा। ये बिहार झारखंड के एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है, लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो मेरे देश का क्लाइमेट है वो कहीं भी आप इसको उगा सकते हैं। छोटी सी जगह में उगा सकते हैं, खेत में उगा सकते हैं, अपने घर में गमले में उगा सकते हैं। इसका जो राइजोम होता है वो इतना मेडिकली इम्पॉर्टेंट होता है कि अब विदेशों तक ये सिद्ध हो गया है कि इसमें जो कंपाउंड होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नाम है, साइंटिफिक नेम्स हैं करक्यूमिन, जो एक पॉलीफिनॉल है। ये एंटी कैंसर एक्टिविटी में बिल्कुल सिद्ध पा गया है और इसकी एंटी कैंसर एक्टिविटी इन विट्रो और इन वाइवो यानी कि लैब के अंदर और मरीजों में बहुत अच्छी पाई जा रही है। हमारे शरीर के अंदर रोज कैंसर के सेल बनते हैं, लेकिन इसकी जो एंटी प्रोलिफेरेटिव एक्टिविटी होती है वो रोज बने हुए कैंसर सेल्स को मारते रहते हैं। इसलिए अगर हम हल्दी का सेवन रोज करें तो ये इतनी भयंकर बीमारी से हम मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे अल्फा एंड बीटा टेमिरोन्स, बीटा पाइनेंस, कैम्फिन्स, लिनोलिन एंड करनॉल केमिकल्स। ये सारे केमिकल्स एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर भी होते हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत थिक होती है, उनको भी लंबे समय तक इसका सेवन किया जाए तो वो भी मर जाते हैं या उनका डिवीजन रुक जाता है। एंटी बैक्टीरियल यानी कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसमें भी काम आते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में भी काम आते हैं, ज्वर में भी काम आते हैं। कोई भी बुखार आपको हो, पायरेक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन, चाहे एक्यूट फेज का हो चाहे लंबे समय का, ये काम आते हैं। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि ये हल्दी अगर हम अपने जो मसालों में इस्तेमाल करते हैं तो वो इतनी ज्यादा हमारी बेनिफिशियल नहीं होती, क्योंकि ये जो होती है हल्दी, इसमें जो करक्यूमिन होता है वो फैट सॉल्युबल होता है, और फैट सॉल्युबल होने के कारण इसीलिए हल्दी का अगर दूध पिए तब ज्यादा इफेक्टिव होता है, बल्कि ज्यादा ही काम करता है। लेकिन करक्यूमिन जो हम हल्दी का दूध पीते हैं उसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है मेरे शरीर के अंदर वो केवल 2.5% होती है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कोई भी पदार्थ, पेड़ पौधों का पदार्थ जब शोधन किया जाता है, शोधन फिर शोधन और डिस्टिलेशन फ्रेगमेंटेशन किया जाता है, तो जो अंत में पदार्थ निकलता है उसको नैनो फॉर्म्स कहते हैं आजकल की टेक्नोलॉजी में, और इन नैनो फॉर्म्स का अगर हम सेवन करें करक्यूमिन का तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी 90% होती है, एब्जॉर्प्शन 90% होता है। और खास बात है कि अगर हम हल्दी को नैनो फॉर्म्स में मुंह में रखें या हल्दी के पार्टिकल्स मुंह में रखें दूध के साथ, तो इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, क्योंकि ये जब मेरे पेट में जाता है तो एसिड से करक्यूमिन डिस्ट्रॉय हो जाता है और लिवर से मेटाबोलाइज हो जाता है और इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब है अगर आपको नैनो फॉर्म्स आपके पास नहीं है, जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन में अब आ चुके हैं, है मेरी हल्दी टेक्नोलॉजी नैनो फॉर्म्स में आई जो बाहर से आई, और ये नैनो फॉर्म्स का सेवन करके हम बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और मुंह में रखे जाते हैं ये जेल फॉर्म्स, क्योंकि पेट में जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो आम आदमी है अगर नैनो फॉर्म्स उनके करक्यूमिन के आपको टैबलेट फॉर्म में नहीं मिल रहे हैं तो आप दूध का हल्दी का सेवन करें, और जिस दूध में फैट की मात्रा ज्यादा होगी वो थोड़ा ज्यादा असर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि भैंस का दूध, गाय का दूध, कोई भी दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूध हल्दी जब कॉम्बिनेशन करता है तभी वो डिसॉल्व होता है और मेरे शरीर के अंदर आता है। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ हल्दी की रस्म होती है शादी के पहले, तो ये स्किन ग्लो में बहुत काम आता है, आपकी त्वचा साफ हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, और कैंसर होने की संभावनाएं डेली जो बनता है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल है, कैंसर के बहुत सारे मरीजों में इसका ट्रायल चल रहा है, और जिनमें कीमोथेरेपी के साथ इसको दिया जा रहा है उनकी जीवन जो है ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि वहां भी वो कैंसर सेल्स को मारती है, नॉर्मली कैंसर सेल्स को मारती है, बैक्टीरिया को भी मारती है, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, घाव पे लगा सकते हैं, और इस तरह से हम अपने देश की हल्दी का सेवन कर सकते हैं। हमारे छोटे किसान इसको अपने देश में उगाएं, और इसका एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मांगा जा रहा है, क्योंकि विदेशों में करक्यूमिन इंस्टीट्यूट बन चुके हैं जो हमारी हल्दी है, और हम चाहेंगे कि हमारे देश में भी इसका प्रयोग हो, इसकी टेक्नोलॉजी आए, नैनो फॉर्म का डेवलपमेंट हो और विश्व गुरु की तरह हमारा देश आगे बढ़े। जय हिंद, नमस्ते।